एक अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचाओ, बल्कि वो होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचाओ। और यही सीक्रेट डिकोडिंग पार्टी को पता है और आपको नहीं, इसलिए उनके थंबनेल पे इतने क्लिक होते हैं और आप सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन चार पॉइंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप फोन से ही इस तरह थंबनेल बना पाएंगे बहुत इजीली। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं। नंबर वन, कलर कॉम्बिनेशन। अब कुछ भी बनाने से पहले आपको कलर साइकोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है, वरना सबको सही करते हुए भी आप कुछ ऐसा बना देंगे। कलर कॉम्बिनेशन में दो चीजें आती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। आसान लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, और ये हम कलर व्हील की मदद से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ग्रीन और रेड कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, येलो और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीज है, लेकिन ब्लू और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिकोडिंग वाइटी, एल्ग्रो और इवन ट्रू वाइटी। ये तीनों ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपने थंबनेल्स में, और आपको भी थंबनेल्स बनाते हुए इन दोनों एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर आपको कलर साइकोलॉजी समझ आ गई है तो हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं ये आपके पूरे थंबनेल की वाइब को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉन्ट चेंज करने से ये पूरा थंबनेल अनअट्रैक्टिव हो गया है। अब आप ये गलती ना करें, इसलिए आप हमेशा सेंस सेरिफ फॉन्ट का यूज करें। अब आपको फॉन्ट्स कहां से मिलेंगे और डिकोडिंग वाइटी अपने थंबनेल्स में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है स्पेसिंग। अब जो चीज आपके थंबनेल में सबसे ज्यादा स्पेस लेगी, लोगों का ध्यान उसी पे जाएगा, इसलिए टू मेक श्योर कि आपने उस एलिमेंट को इनफ स्पेस दी हो जिसमें आप लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। और अगर आप अपने थंबनेल में अपना फेस रिवील करते हैं तो आपको 80-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको अपना फेस 20% थंबनेल के हिस्से में दिखाना पड़ेगा और 80% आपके टॉपिक को रिवील करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आपको जिस टेक्स्ट पे लोगों का ध्यान लाना है आपको उसको ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी कंपेरेटिवली टू अदर्स। अब ये तीनों पॉइंट्स आपके थंबनेल पे एक बार क्लिक लाने के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर आपको अपने थंबनेल पे बार बार क्लिक चाहिए तो उसके लिए हमें चौथा पॉइंट देखना पड़ेगा, जो कि है ब्रांड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने चैनल की थंबनेल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यानी कि आपके थंबनेल सेम वाइब फॉलो करते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने कॉम्पिटिटर्स से आउटशाइन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को थंबनेल देख के समझ आ जाएगा कि ये वीडियो किसकी है और ये उनके एक्शन टाइम को कम कर देगा, यानी आपकी वीडियोस में बहुत जल्दी क्लिक होंगे जिससे आपका CTR हाई हो जाएगा। अब ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको सेम कलर थीम और फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, डिकोडिंग वाइटी अपने थंबनेल्स में ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट या ग्रीन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं रेड एलिमेंट्स। अब अगर आपको ये चार पॉइंट समझ आ गए हैं तो आप ऑलरेडी 50% काम कर चुके हैं एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। अब इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल पे जाएं, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर वन, यूजलेस एलिमेंट्स। आपकी थंबनेल में जितनी कम चीजें होगी वो उतना ही स्पेसिफिक और अच्छा दिखेगा, और लोगों को इसी तरह के थंबनेल्स अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर टू, अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट से काफी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो सकती है, जो कि आपकी पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी। फॉर एग्जांपल, आप ये देख सकते हैं सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करने से इस थंबनेल में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड नंबर थर्ड इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर ऑल डिवाइसेस। आपकी वीडियोस को हर तरह की डिवाइस में देखा जाने वाला है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका थंबनेल हर तरह की डिवाइस पे किस तरह का दिखेगा, और ये आप कर सकते हैं एक वेबसाइट से जिसका नाम है thumbnailpreview.com। यहाँ पे जाके आप अपने थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह दिखेगा। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। मैं आपको ये वाला थंबनेल बना के दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले हम ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए हम अपने क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे पिक्साबे। सर्च बार में आपको ब्लैक बैकग्राउंड लिखना है और इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड डाउनलोड होने के बाद हम चलेंगे PNG विंग वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बल्क का PNG डाउनलोड करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम एग्जैक्ट सेम PNG ढूंढेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे YouTube लोगो सर्च करना है और उसका भी PNG डाउनलोड कर लेना है। अब हम दोबारा से अपने क्रोम ब्राउजर पे आएंगे और सर्च करेंगे लाइट PNG और इस इमेज की वेबसाइट पे विजिट करके इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। अब सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करने के बाद हम आ जाएंगे अपने एडिटिंग टूल पे, जो कि है पिक्सल लैब। सबसे पहले आपको इसके टेक्स्ट को डिलीट करना है और 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे जाना है। प्रीसेट में आपको YouTube थंबनेल दिख जाएगा और आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका कैनवस 16:9 में कन्वर्ट हो गया होगा। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसके साइज को सेट करना है। ये करने के बाद आपको लेयर्स में जाना है और इसके बैकग्राउंड को लॉक कर देना है, ताकि एडिटिंग के टाइम भी आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। अब हमें सबसे पहले ग्राफ को ऐड करना है। आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने इस ग्राफ को PNG और डिकोडिंग वाइटी के सारे ग्राफ्स का PNG डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसके साइज को सेट कर लेंगे और फिर जाएंगे ओपेसिटी में। यहाँ इसकी ओपेसिटी 48% करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना और इस लेयर को भी लॉक कर देना। अब हम दोबारा से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने YouTube लोगो को ले आएंगे और उसके साइज को सेट करेंगे। उसके बाद एम्बॉस पे आके आपको उसे एनेबल कर देना है, जिससे आपके लोगो को 3D इफेक्ट मिलेगा। अब अगर आपका एलिमेंट इस तरह कट जाए तो उसके साइज को हल्का सा छोटा बड़ा करके आप उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन में आपको बेवल को 100 कर देना है और इंटेंसिटी को भी 100 कर देना है और लाइट थोड़ी सी कम कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब इसकी एक कॉपी करेंगे। अब इस कॉपीड लोगो की पोजीशन को सेट करेंगे और फिर हम जाएंगे कलर फिल्टर्स में। यहाँ पे आपको इसकी सैचुरेशन को -100 कर देना है। अब दोबारा से प्लस पे क्लिक करके हम अपने बल्ब को भी ऐड कर लेंगे और उसे रोटेट करके सही जगह पे लगा देंगे। इसके बाद हमें इनर शैडो पे आना है और उसे एनेबल कर देना है, और यहाँ पे आपको ब्लर रेडियस को फुल कर देना है और कलर पैनल में से थोड़ा सा मैचिंग कलर चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ऑरेंज को चूज करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एम्बॉस को एनेबल करना है और दोबारा से साइज को थोड़ा सा सेट करना है, ताकि हमारा एलिमेंट ठीक हो जाए। अब इसकी एडवांस सेटिंग में बेवल को 100, इंटेंसिटी 100 और लाइट को 0 कर देंगे। अब इसकी हम एक कॉपी बनाएंगे और कलर फिल्टर में जाके उसकी सैचुरेशन 0 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें एक आउटलाइन आ गई है। इसे हटाने के लिए हम इनर शेडो पे आएंगे और उसे ऑफ कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारा लाइट बल्ब सही जगह पे प्लेस हो गया है। अब इस बल्ब को चमकाने के लिए हम अपने लाइट वाले PNG को ऐड करेंगे। साइज सेट करने के बाद इरेज कलर पे आना है और कलर पिकर से आपको ब्लैक कलर को चूज कर लेना है।
टॉलरेंस आपको मैक्स कर देनी है और साइज को इंक्रीज कर देना है ताकि उसकी लाइट इधर उधर फैल जाए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी लेयर्स ओपन करनी है और उसमें बल्ब को चूज करके टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका लाइट वाला पीएनजी बल्ब के पीछे चला जाएगा। अब लेयर्स में आपको यूट्यूब लोगो वाले लेयर को क्लिक करना है और इनर शैडो को एनेबल कर देना है। अब कलर पैनल से हम लाइट के कलर को चूज करेंगे और ऑफसेट वाई को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको ब्लर रेडियस को मैक्सिमम कर देना है और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इन कंट्रोल्स को थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे ताकि एक परफेक्ट इफेक्ट दे पाए। ओके पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे शैडो पे और एनेबल करने के बाद ब्लैक कलर लेंगे और ब्लर रेडियस को मैक्सिमम कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऑफसेट वाई को एडजस्ट करेंगे ताकि एक अच्छा खासा इफेक्ट मिल जाए। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपको बाहर आ जाना है और शेष में जाके स्क्वायर को एक लाइन में कन्वर्ट करना है। ये करने के बाद आपको ऑपेसिटी में जाना है और ऑपेसिटी कम कर देनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना बाकी है। हम यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसके साइज को सेट कर लेंगे। उसके बाद उस पर डबल क्लिक करने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये करने के बाद अब आपको फॉन्ट चूज करना है। फॉन्ट के लिए आप thefont.com पे जा सकते हैं और सेंस एरिया को चूज करने के बाद आप इनमें से कोई भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिकोडिंग वाइटी अपने चैनल में यूनिसेंस हैवी इटैलिक फॉन्ट यूज करते हैं और आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। अब इसे हम हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैंने इस ट्यूटोरियल में जितने भी ज्यादा फीचर्स और एलिमेंट्स हो सकते थे सारे यूज करके दिखा दिए हैं और आई होप आप इस स्टेप्स को फॉलो करके एक क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हैं जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ थंबनेल काफी है वायरल होने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने चैनल को डिकोडिंग वाइटी की तरह वायरल करने के लिए आपको और भी सारे पॉइंट्स जानने होंगे जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं और अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।